सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने आज अपनी मिनिस्ट्री की अनुदान मांगों का जवाब देते हुए लोकसभा में यह साफ साफ कहा कि देश में हाईवेज पे टोल ना सिर्फ आवश्यक हैं बल्कि अगर देश को तरक्की करनी है तो टोल बहुत जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा में अपने मंत्रालय के लिए अनुदान मांग पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता को अच्छी सड़कें चाहिए तो टोल तो चुकाना ही पड़ेगा। जब तक आपको अच्छे रोड चाहिए तो आप इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। ये स्वाभाविक रूप से ये पैसा खड़ा करने की इनोवेटिव मेथड हमने तैयार किया है। एसेट को हम मोनिटाइज कर रहे हैं और सरकार का बजट और ये दोनों जोड़कर काम करते, फिर जो प्रोजेक्ट पूरा होता है उसको फिर मोनिटाइज करते, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में डालते, फिर उसको पूरा करते, तीसरे प्रोजेक्ट में डालते। गडकरी ने लोकसभा को बताया कि आने वाले दिनों में राजमार्गों का नक्शा बहुत तेजी से बदल जाएगा और सड़कें इतनी बढ़िया हो जाएंगी कि आने जाने के लिए लोगों की पहली पसंद सड़क ही बन जाएगी। ये देश बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, टूरिज्म को महत्व मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते जी, जैसे दिल्ली मुंबई 2 घंटे में हुआ, ये मेरठ दिल्ली हमारे सदस्य है यहाँ, हाँ सर 4.5 घंटे लगते थे, मैं 3 महीने के अंदर 45 मिनट में आप आएंगे अग्रवाल जी, 45 मिनट। लोकसभा में MPs का एंथुजियाज्म उत्साह देखते ही बनता था। लोकसभा देर रात तक बैठी और कम से कम 62 MPs ने इस बहस में चर्चा में भाग लिया। कैमरामैन विवेक भट्टाचार्य के साथ विनीत दीक्षित, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।